से है। खुश आमदीद हम सब उम्मीद से हैं के साथ मैं सबा कमर और आज के एपिसोड में है मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी व्हाइट वेडिंग हो इसलिए मैं ये वेडिंग दोबारा कर रही हूँ। हाँ जी रेडी। एक मिनट मैं जरा पोस्ट तो बना दूँ। जी आपकी कवरेज हो गई हम जाएं। वो असद को रेड वेडिंग पसंद है इसलिए अगले हफ्ते हमारी रेड वेडिंग है उस पर जरूर आइएगा। मुबारक हो मौलवी साहब। अभी नहीं अभी तो मीडिया नहीं आया। हेलो अभी तक आप नहीं आए। आपको पता है मेरे एक अंकल की ख्वाहिश है कि मेरी पिंक वेडिंग हो मुझे उसके लिए यूके जाना है जल्दी आए। अभिनय जी कवरेज हो गई अब हमें इजाजत। अगले महीने की 27 को मेरी पिंक वेडिंग है। वो तो 20 को है 27 को तो मेरी ग्रीन वेडिंग है। ये किस मुल्क में है? किस मुल्क में? अच्छा इससे कितना अच्छा आइडिया दिया है। मेरी वेडिंग हर मुल्क में होगी। तुम मुल्कों की लिस्ट बनाओ। तमाम मुल्कों की लिस्ट बनाओ। सारे मुल्कों के बाद फिर चांद पर भी वेडिंग होना चाहिए। चांद पर? गुड आइडिया। मैंने सोच भी लिया वहां मेरा वेडिंग ड्रेस कौन सा होगा। एक मिनट। हेलो मैनेजर मेरी मून वेडिंग का ब्रोशर बनाकर फॉरेन क्लाइंट्स को भेजा दो। ओह नो। बिलावल भट्टी हो या बिलावल भुट्टो बिलावल बिलावल होता है। ये क्या इतने तेज बॉल ये तो आज शूट हो रहा था फिर भी बाउंसर। बाउंसर असल क्रिकेट में हो या शूट पर बाउंसर बाउंसर ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ट्विटर पर खेल सकें। तो आ रहे हो ना कोई मुझे ट्विटर पे हेल्प करके दिखाए। अगर आप लोगों को कभी कोई गलतफहमी हो जाए कि अपन लोगों ने आपके लिए कुछ किया है तो आप अपन को थैंक यू मत कहिए। इंस्टेड 3 लोगों को कहें अपन को वोट दें। सोनिया जी आपने ठीक कहा है ना। सोनिया जी अपनी आवाज सुन ले। ओके भैन जी फिर बोलना आपकी आवाज सुनने की इजाजत मिल गई है। ऐसे लोगों की बेइज्जती इनकी हुकूमत गिराने से नहीं इनकी तारीफ करने से होती है। ओए बचाओ सोनिया जी ओए ट्रेन परे करो महाराज। सोनिया जी बोल दो। बोलो भी आम प्राइम मिनिस्टर सोया हुआ शेर है उंगली मत कर बोल पड़ा तो पता नहीं क्या कर देगा। एक मिनट एक ट्राई और कर लो। सोनिया जी वॉइस ओवर शेर की लगा ले। ठीक है
अब करो, सोनिया जी ने कहा है आवाज शेर की लगा लो। के हो तुम, क्या सोच रही हो? मैंने कल की छुट्टी करनी है, पर छुट्टी की दरखास्त पे क्या बहाना लिखूं? लिख दो, मुझे अपने दादा की शादी में जाना है। अगर मिस ने पूछा तुम्हारे दादा इस उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं, तो कह देना मेरे दादा नू लीग में है। वेरी सिंपल। बच्चे गैर सियासी होते हैं। अल्लाह की कसम, मेरा मेकअप उतर के तुझे चार के नाच जाना है। हमें आप शादी के लिए पसंद हैं। कराची में इतने दहशतगर्द गिरफ्तार हो रहे हैं, फिर भी क्राइम रुकते क्यों नहीं है? कम ना होने की जय हो ने कितना बिजनेस किया। इसको छोड़ें, जय हो 2 को देखें, जिसे हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी फैन हूँ, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है, सबकी स्टोरी याद है, क्योंकि हर फिल्म की स्टोरी और एक्शन सेम ही तो है। क्या तुम्हें आम आदमी की ताकत का अंदाजा नहीं? मजाक कर रही थी, मैं तो टिकट लेने आई थी जय हो 2 की। निकालो पैसे। थैंक यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आप पर कोई एहसान किया है तो थैंक यू मत कहें। इंस्टेड 6 लोगों को और टिकट खरीद कर दें, और उन 6 लोगों से कहें कि वो आगे 6 और लोगों को टिकट खरीद कर दें, और उन 6 लोगों से कहें कि वो आगे 6 लोगों को टिकट खरीद कर दें। क्या जी, इस तरह मेरी फिल्म के सारे टिकट सेल हो जाएंगे। जी, मगर आपने तो 3 लोगों की मदद का कहा था, ये 6 क्यों? 3 लोग जे हो 1 में थे, जे हो 2 में 3 को 2 से ज़र्ब दी है। देखा कितनी नई स्टोरी है इसकी। फजूल में कहते हैं कि मेरी फिल्म में कुछ नया नहीं होता। क्या जी, आजो भी आजो, जे हो 2 की टिकट ले लो। प्रोफेसर शेख साहब, नवाशी साहब ने कहा है अगर परवेज रशीद और राणा सनाउल्ला आधा घंटा मुसलसल खामोश रहकर दिखाएंगे तो इनको एक एक वजारत और मिलेगी। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? वो कंफर्म तो हो जाए ना, पहले खबर कंफर्म हो जाए, देखते हैं। क्या आपको इस खबर के बारे में मालूम नहीं? मुझे नहीं मालूम इस बात का, ये बाद में मालूम कर लेंगे। परवेज रशीद साहब, आप न पढ़ना और वजारत के लालच में आप अपने बयान मुसलसल जारी रखना, आपके बयानों के बगैर हुकूमत ऐसे लगती है जैसे बैंड बाजे के बगैर बरात। यानी कितना समझदार आदमी, आप इसे समझे ना, सीखे ना। परवेज साहब, आप भी कोई बड़ी समझदारी वाली बात करें ना। आप लोगों ने चाय का बंदोबस्त किया? आओ चाय पीते हैं। बात तो समझदारी की है। केजरीवाल साहब, हमें नहीं लगता कि हम जैन लोकपाल बिल पास करवा पाएंगे। देखें, हमें अपने इंतखाबी निशान झाड़ू की सौगंध, हम जैन लोकपाल बिल की हमायत हासिल करके रहेंगे, चाहे इसके लिए चाहे उसके लिए हमें एक और धरना क्यों ना देना पड़े। अरे वो भाग गए, कहीं फिर से धरना देने ना चले जाए, पकड़े इनको। थैंक्स। किस चीज का थैंक्स बोल रहे हैं आप? वो हम तो ये बोल रहे हैं, कांग्रेस ने पहले ही हमायत ना करने का ऐलान कर दिया है, बीजेपी की हमायत भी ना होने के बराबर है, और कई मुखालिफ हैं हमारे, हम क्या करें, कैसे करें? मैं आपके सामने जैन लोकपाल बिल पास ना करवाने पर रिजाइन करता हूँ, रिजाइन करता हूँ। पकड़ो। चाहे जी।
ओ नो, वो है किया ना जिसका डर था। कितनी उम्र मेरी, कब से वेट कर रही हूँ। अपना नहीं, मेरा वेट तो इतना ज्यादा नहीं है। मैं तो ख्वाबों की शहजादे की बात कर रही हूँ। कब से वेट कर रही हूँ, कोई आ ही नहीं रहा। तुझे क्या मिलना है? हम शाहजहाँ हैं। हेलो, शाहजहाँ है एडिटर, डायरेक्टर उधर है। अब ऐसे गेटअप किस नाम में का है? हम शादी के लिए आए हैं। हेलो, वो अभी तो इंटरव्यू हो रहे हैं, बैंड बाजू के लिए आपको बता देंगे। हम मुगल बादशाह हैं, रिश्ते के लिए आए हैं। मैं सदके, मैं नहीं लेट हो गई हूँ। शहजादा मंगिया सी, जो तो शहजादे की डिलीवरी हुई है, अब अच्छा बन चुके हैं। हमें आप शादी के लिए पसंद है। बेइज्जती हो गई मेरी। बाबा जी मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं, मुझे 15 साल पहला मैं 20 साल की सा। हमें बाबा कहा गुस्ताख, हम तुझे दीवार में चुनवा देंगे। चुनवाना ही है तो लक्ष्मी में चुनवाओ। दीवार में मेरा मेकअप खराब कराओगे? इस गुस्ताख को दीवार में चुनवा दिया जाए। बेइज्जती हो गई मेरी। मुमताज महल संगे मरमर विच और मुझे ईंटो में चुनवा रहे हो। तो मेरी डस्ट एलर्जी नाले मेकअप खराब होने का खतरा। अल्लाह की कसम मेरा मेकअप उतर के तुसे डर के नस जाना है। फिर ना कहना मैं दसिया नहीं। हाय हाय बचा मैनू, हाय 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 मेरा साह बंद हो चला है। हाय हाय बचा लो, हाय बचा लो, हाय बचा लो। क्या हुआ? अभी मुझे मुगल बादशाह दीवार में चुनवा रहा था। शहजादों के ख्वाब देखोगी तो यही होगा। बेइज्जती हो गई मेरी। मैं कैटेगोरिकली बताना चाहता हूं कि मैंने बड़े तजर्बे करके मुल्क में अमल लाने का मजरब नुस्खा बनाया। अभी इसका अमली मुजाहरा दिखाता हूं। मलिक साहब, लगता है ये लोग लड़ रहे हैं। मेरे पास इस मसले का हल है, ये गोली। ये तो आपस में गले मिल रहे हैं। Yes, categorically मैंने अमन कर दिया। ये लोग झगड़ रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या रहमान मलिक साहब, इन्हें भी एक गोली दे दें। Categorically आप मुझे जानते हैं ना? जी, आप रहमान मलिक हैं। और मैं कौन हूँ? आप भी रहमान मलिक हैं। क्या रहमान दवाखाना की तैयार करता रहमान गोली दिखाए हर जगह आपको अमन। कहीं तुम नून लीग की वोटर तो नहीं? कैसी बात कर रहे हो तुम हमारे साथ? अब कायम निशान साहब मुझे भी मशीन रख सकते हैं। कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक में बीवी की शॉपिंग कम करने का आसान नुस्खा दरियाफ्त कर लिया गया है, जिसके मुताबिक अगर बीवी की सहेली साथ शॉपिंग पर जाए तो खर्च कम होगा। ये तहकीक दुरुस्त नहीं। मैं बताता हूँ शॉपिंग कम करने के तरीके। नंबर वन, बीवी अगर महंगा सूट खरीदे तो उसको यकीन दिलाया जाए कि ये सूट पहनने से शोहर को बहुत खुशी होगी, फिर बीवी वो सूट नहीं खरीदेगी। शुक्रिया। तो नाज़रीन, अगर बीवी महंगी चीज खरीदने लगे तो उसे कह दो अपनी सास के लिए भी एक ले लो। कोई और तरीका है ना? अगर बीवी महंगी चीज खरीदने लगे तो उसे कह दो ये पहनकर तुम बड़ी उम्र की लगोगी, आप अगर जबरदस्ती भी वो उसे लेके देना चाहेंगे नहीं लेगी। कुछ और फरमाएंगे? वो महंगी चीज लेने लगे तो उसे कह दे साथ वाली पड़ोसियों के पास भी ऐसी ही है, कभी नहीं खरीदेगी। शॉपिंग